संस्कृति मॉम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भिंडी की बहुत ही अच्छी और एकदम बिल्कुल नए तरीके की सब्जी बनाकर बताएंगे। उसके लिए हमने भिंडी को पहले अच्छे से धो लिया था, धोने के बाद भिंडी को सुखा लिया था। सुखाने के बाद हमने दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कट करके फेंक दिया है और चार भागों में इस तरीके से लंबाई में भिंडी को कट कर लिया है। जब आप इस तरीके से लंबाई में कट करेंगे तो अंदर तक का सारा दिख जाता है कि इसमें कोई कीड़ा तो नहीं है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि भिंडी को आपको बहुत ज़्यादा मोटा नहीं कट करना है। लंबाई में चाहे जितनी बड़ी हो, देखो हमारी कितनी भी कोई कोई इतनी बड़ी भिंडी है, फिर भी हमने इसको एकदम इनको लंबाई में अच्छे से कट कर लिया है और सारी भिंडी को हमने चार भागों में अच्छे से कट कर लिया है। हमने बारीक वाला बेसन लिया है छोटी चम्मच से, इसमें हम दो चम्मच बेसन डाल देंगे और बेसन को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और थोड़ी सी हमने मलाई ली है, मलाई को भी हम इसी में डाल देंगे। जब भिंडी में आप मलाई बेसन के साथ डालेंगे तो बेसन की बाइंडिंग हमारी भिंडी में बहुत अच्छी आ जाएगी। यदि आपके पास फ्रेश मलाई ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा दही भी डाल सकते हैं और अच्छे से मिक्स कर देना है। हमने बेसन और मलाई को भिंडी में अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम थोड़ी देर के लिए भिंडी को इसी तरीके से छोड़ देंगे। कढ़ाई में हमने एक चम्मच छोटी चम्मच से सरसों का तेल गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम गैस को मीडियम कर देंगे और जो हमने भिंडी में मलाई और बेसन लगा करके रखा था उसको हम इसमें डाल देंगे। जब आप इस तरीके से मलाई लगा करके भिंडी बनाएंगे तो आपकी भिंडी एकदम बिल्कुल सौंधी और बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होगी। और हम मीडियम गैस पर भिंडी को अच्छे से तेल में फ्राई कर लेंगे। हमने मीडियम गैस पर 3-4 मिनट भिंडी को तेल में अच्छे से फ्राई कर लिया है। देखो हमारी भिंडी अच्छे से तेल में फ्राई हो चुकी है और जो हमने इसमें बेसन डाला था बेसन भी हमारा अच्छे से भुन चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। हमें भिंडी को बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है जिससे आपकी भिंडी टूट जाए, हमें भिंडी को टूटने नहीं देना है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे, गैस को बिल्कुल धीमा कर देंगे। भिंडी निकालने के बाद हमने कढ़ाई में दोबारा से आधी चम्मच सरसों का तेल गरम होने के लिए रख दिया था। तेल हमारा गरम हो चुका है, इसमें हम आधी चम्मच जीरा डाल देंगे और जीरा को अच्छे से चटक ले देंगे। जब हमारा जीरा अच्छे से चटक जाएगा तो हमने 2 मीडियम साइज के प्याज को इस तरीके से मोटा मोटा कट कर लिया है। अब हम इसको भी इसी में डाल देंगे और तेज गैस पर 2 मिनट तेल में फ्राई करेंगे। 2 मिनट तेज गैस पर हमने प्याज को थोड़ा सॉफ्ट कर लिया है। प्याज का हमें सिर्फ कच्चापन ही हटाना है, हमें प्याज में कोई कलर नहीं लाना है। और जो हमने भिंडी को फ्राई करके रखा था उस भिंडी को भी हम इसी में डाल देंगे और मीडियम गैस पर 2 मिनट प्याज के साथ और इसको हम पकाएंगे, फिर बाद में हम इसमें मसाले डालेंगे। हमने 2 हरी मिर्च को छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। हमें हरी मिर्च को पहले नहीं डालना है, हमें इस हरी मिर्च को बाद में ही डालना है, तभी हमारी हरी मिर्च का इसमें अच्छे से टेस्ट आएगा। हमारी कम तीखी वाली हरी मिर्च, इसलिए हमने 2 हरी मिर्च को इसमें डाल दिया है और हम टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक डाल देंगे। देखो हमारी भिंडी अच्छे से पक भी चुकी है और बिल्कुल गली भी नहीं है। आपको इसी तरीके से भिंडी को पका लेना है और प्याज को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है, प्याज को भी आपको इसी तरीके से रहने देना है, तभी आपकी प्याज खाने में अच्छी लगेगी। इसमें हम थोड़ी सी कसूरी मेथी को हाथों से मैश करके इसमें डाल देंगे और इसमें हम कुछ सूखे मसाले डालेंगे। थोड़ा सा हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा हम कसूरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे जिससे हमारी सब्जी में अच्छे से कलर आ जाएगा, और थोड़ा सा हम इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसमें हमने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाला है, यदि आप सादा लाल मिर्च पाउडर डालना चाहते हैं तो सादा लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। हमने इसमें पहले से हरी मिर्च डाली थी इसलिए हमने थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है जिससे हमारी सब्जी में अच्छे से उसका कलर आ गया है। 2-3 मिनट धीमी गैस पर हम इसको और पकने देंगे। भिंडी और प्याज तो हमारी पहले से अच्छे से पक चुकी है, जो हमने
सूखे मसाले डाले थे उनको हम धीमी गैस पर पका लेंगे। इन सूखे मसाले को आपको तेज गैस पर नहीं पकाना है, नहीं तो जो आपके मसाले हैं जल जाएंगे। और अच्छे से हमने जो मसाले डाले थे, हमारे मसाले सारे अच्छे से भुन चुके हैं और हमारे इस सब्जी से अच्छी सी खुशबू भी आने लगी है। जब हमने इसमें मलाई डाली थी तो मलाई डालने से इसमें इतनी अच्छी खुशबू आने लगती है। जब आप किसी सब्जी में घी का तड़का लगाते हैं उसी तरीके से मलाई डालने से भिंडी में भी अच्छे से खुशबू आने लगती है और अच्छा सा टेस्ट भी आ जाता है। एक प्लेट में हमने सब्जी को सर्व कर दिया है। देखो ये हमारे देखने में कितनी अच्छी सब्जी लग रही है, जितनी अच्छी देखने में लग रही है उतनी अच्छी खाने में भी लगती है। हमने किसी चीज को इसमें गलने नहीं दिया है, सारी चीजें हमारी इसमें अलग अलग दिख रही हैं और हमारी भिंडी अच्छे से पक भी चुकी है और भिंडी को हमने बिल्कुल गलने नहीं दिया है। इस भिंडी की सब्जी को आप पूरे पराठे या रोटी के साथ खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगेगी। यदि आप दाल चावल के साथ इस सूखी सब्जी को खाएंगे तो और ही टेस्टी लगेगी। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।